वाराणसी 28 दिसंबर 2018 लघु उद्योग भारती के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में लघु उद्योग भारती काशी के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 28 दिसंबर 2018 शुक्रवार रात्रि 8 बजे से वाराणसी में मलदहिया स्थित एक निजी होटल में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता राजेश कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत भारत भूषण ने किया। साथ ही कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री राजकुमार अग्रवाल ने किया। मुख्य अतिथि माननीय ग्रामोद्योग एवं एमएसएमई मंत्री सत्यदेव पचौरी रहे। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों में दीनदयाल जी एवं प्रकाश मित्तल संरक्षक एवं सदस्य जीएसटी काउंसिल तथा नीति आयोग महासचिव रविन्द्र सिंह उपाध्यक्ष दीनानाथ बर्नवाल जी एवं सचिव दिनेश गुप्ता की उपस्थिति रही। अपने उद्बोधन में अध्यक्ष राजेश सिंह ने पूरे वर्ष के गतिविधियों पर प्रकाश डाला और मुख्य रूप से हस्तचालित चारा मशीन एवं मौसाने की पंखी पर लग रहे जीएसटी का विरोध प्रकट करते हुए शासन से इसको कर मुक्त करने का आग्रह किया। जीएसटी काउंसिल सदस्य ओम प्रकाश मित्तल ने किसानों के हित में इसको कर मुक्त कराने का आश्वस्त दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सत्यदेव पचौड़ी ने रजत जयंती वर्ष मनाने के लिए लघु उद्योग भारती को बधाई दिया और साथ ही प्रशंसा करते हुए अपना निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। स्वागत एवं परिचय के लिए मैं भारत भूषण गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कृपया स्थान पे खड़े हो जाएं। गायत्री मंत्र के लिए, गायत्री मंत्र के भारत भूषण जी। इसके उपरांत सभी से निवेदन है गायत्री। मंच को शोभायमान करने के लिए मैं मंच आपूर्ति के क्रम में सर्वप्रथम अध्यक्ष श्री राजेश सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। दिनेश गुप्ता जी, भारत इंडस्ट्री से राजेंद्र सिंह जी यहां उपस्थित हैं। सिंह जी, स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड जगतपुर, श्री भारत भूषण गुप्ता जी हैं। भारत भूषण लक्ष्मी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज चांदपुर, श्री मनोज गुप्ता जी हैं। सर सामने मनोज नंदनी एग्रो कर्मियों से श्री आनंद जायसवाल जी। मनोज मदेशा जी से अनुरोध है आनंद जी का पूरा। लहरतारा से अरुण कुमार सिंह जी हैं और अंत में बनारस एग्रो इंडस्ट्रीज चांदपुर श्री संतोष गुप्ता जी। कानपुर अलीगढ़ सभी जगहों पर अपना समय दें और हम जब भी जाते हैं तो उसके लिए तो लघु उद्योग भारती की उपलब्धियों के बारे में जो उद्योग के संबंध में है पिछले 15-20 दिन के अंदर की मैं बातों को करूं, दो बड़े घटनाक्रम हुए। पहला घटनाक्रम रेड और ऑरेंज कैटेगरी से हट के वाइट कैटेगरी में है। ये लघु उद्योग भारती के प्रयास का एक बड़ा योगदान है जिससे ब्रज क्षेत्र में जो कि आगरा परिप्रेक्ष्य में आता है जिसमें उद्योगों को लेकर बड़ी समस्या थी वो एक बड़ी समस्या हुई। दूसरा ये जिस विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूँ वो परम पूज्य उपस्थिति है हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी का ही एक प्रस्ताव था जो पहले राजस्थान में लागू हुआ और उत्तर प्रदेश में उद्योगों में 304 के अंतर्गत अब कोई भी FIR लॉन्च नहीं। 304 के अंतर्गत यह होता है कि आपके उद्योग में के अंदर कोई भी घटना घटती है और कोई कैजुअल्टी होती है तो सीधे उद्यमी के ऊपर 304 का केस दर्ज होता है, जिसके कारण उद्यमी परेशान रहता था, वो भागा रहता था, तो वो अपनी समस्या को भी डिस्कस नहीं कर पाता था, कर नहीं पाता।
17 इस माह के 17 तारीख को, 17 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी ने उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु की बैठक में ये डिक्लेयर किया कि लघु उद्योग भारती के पिछले समय से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप ये अध्यादेश जारी हो गया, जिसकी कॉपी हम आपको दिला देंगे। ये एक बहुत बड़ा उद्योग क्षेत्र के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए एक बहुत एक आप कह सकते हैं उद्योगों के लिए हित में एक बड़ा निर्णय।